नमस्कार, मैं हूं सोनिका और तत्काल न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। लुधियाना के खटरा गांव के एक निवासी 55 वर्षीय किसान गज्जन सिंह की रविवार शाम टिकरी मोर्चा में मृत्यु हो गई है। उनके परिवार और किसान नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पानी के तोपों का उपयोग करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर बंद के दौरान बार बार गीला होने के बाद गज्जन बीमार हो गए थे। सोमवार को किसान नेताओं ने 55 वर्षीय व्यक्ति के शव को अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हरियाणा सरकार के अधिकारियों को उनकी मौत के लिए बुक लिया जाना चाहिए। किसान का शव बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। किसानों द्वारा दिल्ली चलो विरोध के दौरान मरने वाले गज्जन तीसरे किसान है। 27 नवंबर को दिल्ली के रास्ते में भिवानी में एक सड़क दुर्घटना में धन्ना सिंह की मृत्यु हो गई। जनक राज अग्रवाल की मौत 28-29 नवंबर की रात को कार में सोते समय हो गई। जनक के शरीर को भी बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने भारत के उन किसानों के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की जो अब तक देश में चल रहे किसान संघर्ष में जान गंवा रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद कुमार मिंटू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसान संघर्ष देश में एक जन आंदोलन बन गया है। यदि किसी किसान किसी एक अन्य कारण से इस मोर्चे के दौरान मर जाता है या घायल हो जाता है तो हम उस किसानों के परिवार को वित्तीय मदद देंगे। हमें पता चला है कि दुर्घटना स्वास्थ्य के मुद्दों के कारण मोर्चों के दौरान कई किसानों की मृत्यु हो गई। हम उनके बच्चों की शिक्षा में मदद करेंगे। उन्होंने कहा, हमने AICC प्रमुख सोनिया गांधी, भारत के सभी राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों को इस संबंध में पत्र लिखे हैं। यहाँ तक कि पंजाब के CM को भी उन्होंने किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए भी कहा है और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी वादा किया है।